हेलो फ्रेंड्स, भिंडी तो सभी को पसंद होती है। आज मैं आपको बतलाने वाली हूँ एक बहुत ही खास प्रकार की भिंडी, और जो कि बहुत टेस्टी होती है और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो मैं आज आपको बतलाने जा रही हूँ बेसन वाली भिंडी। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं बेसन वाली भिंडी। बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए ये हमने लगभग 200 ग्राम भिंडी ली है, और ध्यान रखिए कि लहसुन अदरक प्याज कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाली भिंडी। तो सबसे पहले हम भिंडी को अच्छी तरह से धोकर और इनका ये पीछे का हिस्सा और आगे की ये नोक इसको काट देंगे, और बीच से भिंडी को दो दो पार्ट में चीर लेंगे खड़ा। ये भिंडी काट ली है लंबी, चीर ली बीच से, आप चाहे तो चार टुकड़ों में भी चीर सकते हैं। इसमें ये हमने डाली थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल ली, और डाल लिया हमने ये एक चम्मच गरम मसाला, और ये डाला हमने एक चम्मच चाट मसाला। बस अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब अगला क्या स्टेप होगा? अगला स्टेप होगा बेसन को भूनना। मैंने लगभग 3-4 चम्मच बेसन ले लिया, और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। इसको सेक लेने से ये फायदा होगा कि जब हम इसको भिंडी में डालेंगे ना, तो फिर हमें एक तो वहां कम भूनना पड़ेगा, दूसरा ये है कि इस तरह से भूनने से बेसन अच्छी तरह से सिक जाता है और उसमें प्रॉपर सोंधापन आ जाता है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसका थोड़ा कलर हल्का सा ब्राउनिश ना हो जाए और एक सोनेपन की खुशबू आने लगे। जीरा, अजवाइन और हींग का तड़का देकर हमने उसमें ये भिंडी और मसाले डाल दिए, और उसमें नमक मिला दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनते रहेंगे, और अब इसको हम ढक देंगे और ढक कर लगभग 2 मिनट पकने देंगे। ये हमारी भिंडी गल चुकी है, और अब हम इसमें ये जो हमने भुना हुआ बेसन रखा था ना, ये थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। एक साथ ही मिक्स करेंगे, नहीं तो लम्स बन सकते हैं, और फिर सबका अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को ज्यादा बेसन पसंद होता है, किसी को कम। मैं इसमें मीडियम क्वांटिटी में डालूंगी बेसन, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इतना काफी होगा। थोड़ी देर भूनेंगे, हालांकि हमारे बेसन ऑलरेडी भुना हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा टाइम देंगे। हम चेक कर लें एक बार कि भिंडी हमारी प्रॉपर गल गई या नहीं। परफेक्ट। अब बस एंड पॉइंट पे हमें इसमें डालना है एक चम्मच अमचूर। बस हम गैस को कर देंगे ऑफ, और इसे अमचूर को भिंडी में मिक्स कर देंगे। ये तैयार है हमारी गर्मा गर्म करारी करारी बेसन वाली भिंडी। इसको खाइए पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ। तो आप भी जाइए और बनाइए सुपर टेस्टी सुपर इजी बेसन वाली भिंडी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, और शेयर भी कीजिए।
थैंक यू।